सुधार की जरूरत है, क्योंकि नाम में कोई त्रुटि है, पता में कोई त्रुटि है, फोटो में त्रुटि है, तो संशोधन के लिए प्रपत्र 8 में आवेदन दे सकते हैं। और किसी का सेम विधानसभा क्षेत्र में अगर 10 शिफ्ट हो गया है एक मतदान केंद्र, जिसके मतदान केंद्र में नाम कराना है उनको शिफ्ट कराना है, वाटका में आवेदन दे सकते हैं लोग। और इसके अलावा भी नाम जो डिलीट कराने वाला है, केवल मृत्यु ही नहीं, अगर कोई मतदाता यहाँ से शिफ्ट कर गए हैं जो कि ध्यान नहीं रहता किसी जगह काम करने के लिए, किसी अन्य कारण से सपरिवार शिफ्ट कर गए हैं, तो उनका भी नाम डिलीट करने का आवेदन कोई भी व्यक्ति दे सकता है, उसको सूचना प्रकाशित करके उनका भी नाम डिलीट किया जा सकेगा। और आप लोग जैसा कि जानते हैं अब नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल की फंक्शनल है, उसमें भी लोग आवेदन जाते जमा कर सकते हैं ऑनलाइन भी। वोटर हेल्पलाइन ऐप भी भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रारंभ किया गया है, इसको भी गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध रहेगी, इसके माध्यम से भी निर्वाचन निबंधक पदाधिकारियों से कम्युनिकेट कर सकते हैं लोग। किसी प्रकार की शिकायत इस ऐप पे वोटर हेल्पलाइन ऐप पे किया जा सकता है। वर्तमान स्थिति अपने मतदाता सूची की उसके बारे में बताएंगे। कुल जो मतदाता हैं वो 20,84,772 हैं, और जो वर्तमान में महिला पुरुष का जो सेक्स रेशियो है 884, मतलब 1,000 पुरुष पे 884 महिलाएं मतदाता सूची में हैं। और जो हम लोगों का निर्वाचक जनसंख्या अनुपात होता है, इलेक्टर पॉपुलेशन रेशियो, वो अभी हम लोगों का जो मेल में है 0.50 है, फीमेल में है 0.47, कुल 0.48 है। तो अभी देख रहे हैं हम लोगों का ये थोड़ा लोअर साइड में है, अभी आप लोगों के माध्यम से सभी ऐसे व्यक्ति चाहे महिला पुरुष किसी भी 18 साल से उम्र ज़्यादा हो गई है और मतदाता सूची में नाम नहीं है, वो लोग नाम जुड़वाएँ, ताकि सभी योग्य व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में रहे। और ये आप लोगों को डिटेल भी दे दिया जा रहा है, एसी वाइज भी इसका ब्रेकअप उपलब्ध रहेगा। सर्विस वोटर कुल अपने जिला में 4,170 है वर्तमान स्थिति में। मत नियुक्त करने का भी प्रावधान है, जो BLOs होते हैं हम लोगों के सरकारी कर्मी, उनको सहयोग के लिए, जानकारी देने के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार जितने भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं उनका BLA बूथ लेवल एजेंट को अपने नियुक्त करना होता है, तो उसका भी विवरणी आप लोगों को पार्टी वाइज दिया गया है। और इसके ज़्यादा उम्र है जी, चाहे जितने साल के हैं, 22 साल के हैं, 23 साल के, अगर अभी नाम नहीं जुड़वाए तो जुड़वा सकते हैं। ये सेफ है बेगूसराय जिले में, इसके लिए जिला प्रशासन किस तरह से, मैं सभी EROs को निर्देश दिया गया है कि सभी विशेष रूप से BLOs को लोग बैठक करके निर्देशित करें कि अपने अपने मतदान क्षेत्र में जो बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, उनका विशेष रूप से उन लोगों को प्रेरित करें नाम जुड़वाने के लिए। और आप लोगों के माध्यम से भी मैं सभी बेगूसराय के सभी परिवारों से, सभी अपनी माताओं से, बहनों से अपील करता हूँ कि जिनका भी उम्र 18 साल से जिन बच्चियों की या महिलाओं की हो गई है वो नाम अपना जरूर जुड़वाएं, ताकि हम लोगों का जो सेक्स रेशियो अभी 884 है ना, 884 है, ये हम लोगों का सुधार हो सके। क्योंकि हम लोगों का जो जनसंख्या का जो 2011 का सेंसस था उसके हिसाब से 895 था, 895 था, तो हमारा हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि जो रेशियो जनसंख्या में हो महिला पुरुष का, जो कि 801,000 पुरुष पे 895 महिलाएं हैं, तो वही रेशियो हम लोगों का मतदाता सूची में भी होना चाहिए। तो अभी 884 है, तो आप लोग देख सकते हैं कि लगभग 11 का अंतर है, तो इससे लग रहा है कि कुछ एलिजिबल जो हमारी फीमेल्स हैं वो भी छोटी हुई हैं। तो मैं अपील करता हूँ कि जरूर से जरूर अपना नाम जुड़वाएँ और इस विशेष संक्षिप्त निरीक्षण अभियान का इसका पूरा लाभ उठाएँ। 30 नवंबर तक चलेगा, पूरे 30 दिन का है, और ऑनलाइन भी आवेदन दे सकते हैं, BLOs को जाके आवेदन दे सकते हैं, प्रखंड कार्यालय में दे सकते हैं, और जो उनके EROs हैं चाहे अनुमंडल पदाधिकारी या DCLR जो भी हैं सातों विधानसभा क्षेत्र के, वहाँ पे जाके आवेदन दे सकते हैं। और साथ ही साथ दो तिथियों को, 7 तारीख को और 21 तारीख को, 7 नवंबर और 21 नवंबर दो तिथियों को संबंधित मतदान केंद्र पे BLOs कैंप करेंगे,
वो विशेष अभियान दिवस रहेगा के रूप में मनाया जाएगा। उस दिन भी जो व्यक्ति इच्छुक हैं वो जाकर उस दिन भी अपना फॉर्म भर सकते हैं, चाहे नाम जुड़वाना हो, चाहे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो या कोई व्यक्ति शिफ्ट कर गए, नाम डिलीट करवाना हो उनके संबंध में प्रपत्र साथ में दे सकते हैं, चाहे किसी में कोई संशोधन करवाना हो अपने पता में, नाम में, पिता के नाम में, फोटो में अगर किसी भी व्यक्ति के फोटो गलत है संशोधन करवाना है तो प्रपत्र 8 में आवेदन दे सकते हैं। और किसी उसी विधानसभा क्षेत्र के एक भाग से दूसरे भाग में अगर किसी को नाम शिफ्ट करवाना हो तो वो लोग अपना प्रपत्र 8 का में उसका आवेदन दे सकते हैं।